ये केस है, इन्होंने की हुई है पंजाबी इलेक्टिव नंबर 1 कंप्यूटर साइंस और पॉलिटिकल साइंस एमए लिटरेचर में। ये बेटर है इनका कि आपने इलेक्टिव पंजाबी है, इंग्लिश लिटरेचर में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो आपके लिए ये गड़बड़ है। अगर आपने टीजीटी के लिए एलिजिबल बनना चाहते हो तो, क्योंकि उसकी पोस्ट ज़्यादा निकलती हैं, तो आपको पंजाबी ऑप्ट करना चाहिए माइनर सब्जेक्ट। अगर आपकी इंग्लिश में, क्योंकि पिछले साल जो पोस्ट 2022 में निकली हैं उसमें एमए इंग्लिश के बेस पर एलिजिबल कर दिया गया है टीजीटी के लिए भी, पिछली बार किया है। ये गवर्नमेंट क्या करती है इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है कि नॉर्म्स कौन से चेंज होते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप दैट इज वाई, इसके बेस पर आप अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट ज्यादा है, इंग्लिश करने का तो आपको ज्यादा फायदा इसलिए है कि आपको दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश ले सकते हैं। लेकिन बाद में आपको इलेक्टिव इंग्लिश के 3 साल के पेपर इकट्ठे ग्रेजुएशन के दे देने चाहिए, वो आप बीएड करते करते भी दे सकते हो। मेरा सुजेशन ये है कि थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको बेशक, कि आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लीजिए, क्योंकि इंग्लिश की लिटरेचर की आपने एमए की है, साथ साथ में इलेक्टिव इंग्लिश के पेपर दे दीजिए। ये पता नहीं है कि गवर्नमेंट एलिजिबल करती है इस बार या नहीं करती, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर। तो इसके साथ आप अगर आप ये कर लेते हो, आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल बन जाते हो। तो ये तो रहा माइनर सब्जेक्ट। अब मेजर कौन सा लेना है, अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो, पॉलिटिकल साइंस के बेस पर आप एसएसटी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, लेकिन एडिशनल पेपर देना पड़ेगा, हिस्ट्री का ही देना, ये मैं सुजेस्ट करता हूँ। दूसरा ये बन गया आपका, फिर कॉम्बिनेशन बेस्ट कौन सा बन रहा है, एसएसटी एंड इंग्लिश। लेकिन जो अगर आप एडिशनल के चक्कर से बिल्कुल मुक्त होना चाहते हो, नहीं देना चाहते तो, लेकिन उसकी जॉब कम है, तो वो कंप्यूटर साइंस आप मेजर लेके पंजाबी, कंप्यूटर साइंस पंजाबी लेते हो आप, कुछ भी नहीं आपको देना पड़ेगा, आप कंप्यूटर और पंजाबी के लिए एलिजिबल हो। पंजाबी की पोस्ट ज़्यादा होती है, कंप्यूटर की लगभग अभी तक नहीं है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एडिशनल देना चाहते हो और किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल बनना चाहते हो, उसके बेस पर ये जानकारी का आप फायदा उठा सकते हो। थैंक यू।